पांच राज्यों में चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही तहसील सगड़ी के उपजिलाधिकारी गौरव कुमार के नेतृत्व में सीओ सगड़ी एवं जियनपुर पुलिस के सहयोग से तहसील से लेकर जियनपुर बाजार में लगाए गए राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर को पुलिस के जवानों एवं नगर पंचायत के कर्मचारियों ने उतारे और आदर्श आचार संहिता का पालन कराया। इस दौरान तहसील सगड़ी से बैनर पोस्टर उतराने का जो काम शुरू हुआ वह देर शाम तक जियनपुर बाजार में समाप्त हुआ। एक एक बैनर पोस्टर को प्रशासन द्वारा उतार कर हटा दिया गया। देखिए, जैसा कि विदित है कि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गई है। तत्क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, क्योंकि आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है, तो ऐसे में जो भी पोस्टर बैनर्स हैं वो सभी हटवाए जा रहे हैं, आचार संहिता का अनुपालन किया जा रहा है। और मेरी सभी से ये अपील रहेगी कि जब तक आचार संहिता रहती है सभी इसका सकुशल पालन करें और सभी जो है शांतिपूर्वक चुनाव करवाने में सहयोग प्रदान करें। और सर, हम लोगों के माध्यम से आप लोगों को क्या सहयोग? और ये है, जैसा भी माननीय निर्वाचन आयोग की नई गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं जिसमें ये कोई भी पदयात्रा, साइकिल रैली, जुलूस, इस प्रकार की कोई भी रैली आयोजित अभी नहीं की जाएगी कोविड के दृष्टिगत। कोई भी जो है वाहनों का बड़ा कॉन्वॉय नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर आपको कैंपेनिंग है तो वो केवल 5 व्यक्ति डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर सकते हैं। किसी प्रकार के विजय जुलूस या यात्रा या फिर मशाल जुलूस, इस प्रकार की कोई भी गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोविड के दृष्टिगत अभी स्थिति गंभीर है। तो ऐसे ही निर्देश माननीय आयोग से प्राप्त हुए। सर, कोरोना को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे? कोरोना पे देखिए, अभी लगातार बैठकें हो रही हैं और हमारा जो जनपद है बहुत ही अच्छा है इम्यूनाइजेशन में, वैक्सीनेशन में भी। वैक्सीनेशन में हमारे यहाँ 95% से ऊपर फर्स्ट डोज लग गया है, सेकेंड डोज भी प्रगति से लग रहा है। सोमवार को 10 तारीख को महाअभियान चलाया जाएगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सभी ब्लॉकों में एक एक विद्यालय चिन्हित किया गया है जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाया जाएगा और अन्य जो भी व्यक्ति जिनको सेकेंड डोज लगना है उनको भी सेकेंड डोज लगाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लाठघाट, मालटारी, अजमतगढ़ आदि बाजारों में आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन की हनक दिखी और बैनर पोस्टर हटाने में जुट गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि किसी भी दशा में किसी भी पार्टी की कोई बैनर पोस्टर यदि कहीं पड़ा हुआ दिखाई दिया तो उसको पुलिस प्रशासन को सूचना देकर तत्काल हटवा दिया जाएगा। यदि कोई बैनर, नया बैनर पोस्टर लगाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान सीओ सगड़ी महेंद्र शुक्ला, नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार यादव, कोतवाल जीएन दिनेश कुमार यादव, चौकी प्रभारी लाठघाट सौरभ कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे। एजेड न्यूज के लिए आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट।